हमारे साथ मौजूद है इतिहासकार श्रीदत्त राव जी। हर साल ये अपनी प्रदर्शनी शस्त्र की लगाते हैं और इस साल भी उन्होंने यहाँ पर शस्त्र की प्रदर्शनी लगाई है, साथ में शिवाजी महाराज के जमाने के कॉइन्स लगाए हैं। तो क्या कुछ इन्होंने लगाया प्रदर्शनी में, इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार। दोनशे पंच्याऐंशी वेळा वसई विजयोत्सवाच्या निमित्ताने आज आपण इकडे भव्य असं शस्त्र प्रदर्शन भरवलं आहे। या शस्त्र प्रदर्शनाचं एक आगळं एक वैशिष्ट्य असं आहे की या ठिकाणी ब्रिटिश काळातल्या बऱ्याचशा ब्रिटिश पेशवे काळातल्या बऱ्याचशा घरगुती वापरातल्या वस्तू, हडकित्ते, विविध प्रकारच्या तलवारी, तशाच वजनमापे, त्याच्यानंतर सोनाऱ्याची तराजू वगैरे आणि सगळ्या दुर्गमित्रांच्या जिव्हाळ्याचा भाग असलेल्या शिवराईचं एक मोठं कलेक्शन या ठिकाणी आपण मांडलेलं आहे। हर साल क्या नया है? नया कलेक्शन में काफी चीजें अभी बढ़ चुकी है। इसमें अपने कॉइन्स में अलग अलग पैटर्न्स डाले हुए हैं और मैंने अभी बताया कि पेशवे और ब्रिटिश टाइम की काफी सारी चीजें जो है वो फर्स्ट टाइम अपने इधर मेंशन की है। इसमें दूरबीन है, काफी अलग अलग टाइप के होका यंत्र है। यहाँ शस्त्र प्रदर्शनी और बाहर दुर्ग के जो किले बनाए हुए, तो पिछले साल कौन से थे, इस साल क्या वही है, रिपीट या दूसरे है? हर साल अपन कंसेप्ट रखते हैं कि पालघर डिस्ट्रिक्ट के किले, ठाणे डिस्ट्रिक्ट के किले, इस साल अपने कंसेप्ट रखे हुए हैं उस तरफ की जो भी पर्वतीय दुर्ग है या जो लोगों को ज्यादा नोन नहीं है तो किले बच्चे लोग ने बनाए हुए हैं। एक सामान्य सा सवाल जो अपनी शिक्षा से हटकर है वो ये है कि कहीं ना कहीं आज के समय में आप इस पुराने इतिहास को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या है कि दुर्ग की हालत काफी भीड़ हो गई है और ये जो सब सामग्री आपने समय भी की ऐसी सामग्री नहीं देखने को मिली, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार को क्या योजना लानी चाहिए, सब क्या कुछ करना चाहिए और पब्लिक को किस तरह से इसमें सहयोग करना चाहिए ताकि इन पुरानी चीजों को हम बता सके, हमारे इतिहास को बता सके? पब्लिक और लोगों के हिसाब से अगर बताया जाए तो मुझे लगता है कि हर गांव या हर गली हर एक म्यूजियम के काबिल है। मतलब हर एक गली गली में मूर्तियां पड़ी हुई है, हर एक गली गली में मॉन्यूमेंट्स गिरे हुए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है। तो गवर्नमेंट ने अगर इंडिविजुअल ग्राम पंचायत या लोकल लेवल पे सपोर्ट किया तो मेरे को ऐसा लगता है हर एक गाँव में हर एक म्यूजियम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत काफी बेहतरीन ये लगाया प्रदर्शनी, हमने भी देखा है और हमारे व्यूवर्स भी देखेंगे। आप क्या मैसेज एक व्यूवर्स को अंत में देना चाहेंगे? आपला इतिहास फार गौरवशाली है आणि त्या इतिहासाचं आपण काहीतरी देणं लागतं। त्या हिशोबाने प्रत्येकाने किल्ले वाचवण्यासाठी मग त्या किल्ल्यावरती चर्चेस असू दे, दर्गे असू दे, त्या किल्ल्यावरती असलेले ऐतिहासिक साधनं असू दे, मोडी लिपीतली पत्र असू दे, हे सगळं संवर्धन करण्यासाठी प्रत्येकाने प्रचंड मेहनत करणं गरजेचं आहे। हे फक्त एकट्या सरकारचं कार्य नाही आहे, हे आपल्या देशाचं कार्य आहे। आपण या सगळ्या हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट्स कडे माझा देश म्हणून बघूया। तो ये श्रीदत्त राव जी ने जो अंत में बात कही है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि मैं से हर चीज शुरू होती है, मैं से शुरू होती है। मैंने सड़क पर देखा कि कुछ ऐसी चीज है जिसे मुझे संभालना चाहिए, अगर मैंने उसको संभाल लिया तो वो संभल गई। इस तरह से अगर हर एक इंडिविजुअल देशवासी ये सोच ले कि हमको अपने देश के इतिहास को बचाना है और इतिहास को जैसा आज दिन तक हम समेट सके हैं वैसा आगे भी समेट कर रखा है, तो हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी है। उसके बाद सरकार और श्रीदत्त राव जैसे लोग तो कर ही रहे हैं, तो हमें भी इनके इस कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, वसई से जैसे बोले। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786